कल हम वहाँ कैंप में कोई बताया था हमको कि राशन बट रहा है, तो फिर हम आधार कार्ड लेके वहाँ बच्चों को लेके गए थे राशन लेने, राशन नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे मगिया दो केले मिले थे हमको। हमारे घर देख लो, चल के एक बर्तन भी नहीं हमारे पास, चूल्हा पूजा पड़ा है। लॉकडाउन के एक महीने से भी ज़्यादा वक्त निकल गया है। आज हम तेज़ धूप के नीचे दोपहरी में मजनू की टिला दिल्ली के एक गरीब बस्ती में खड़े हैं। यहाँ पे करते सिलबट्टे का काम, रस्सी वाइपर। यहाँ पे अभी इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा है, जो भी चलता है सब बंद है, लॉकडाउन की वजह से सब बंद चल रहा है। यहाँ पे हमारी दुकान लगती है रोड पे ही, पटली पे, और वहाँ पे भी दुकान नहीं लगाने दे रहे हो। बताओ, ये एक साल का बता रहा है, खाएंगे क्या? हमारे पास तो कोई राशन भी नहीं आ रहा है, हम तो ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। अब ये कमाई तो खाली कभी 500 का भी काम हो जाता है, कभी 700 का भी, कभी 1000 का भी हो जाता है। दिन में हो जाता है 100-200 रुपये, ज़्यादा इससे ऊपर नहीं होता है। रक्से चलाते हैं, वो जल्दी है सर, उसका क्या कहते हैं, दलिया धोते हैं ना, उसकी जो लेबर काम करते हैं ना। और इन कच्ची बस्तियों में जब हम सोचें कि किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह की सफाई की अपेक्षा की जा सकती है। भूख की बात तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़ के अब पानी की किल्लत, प्यास इतनी ज़्यादा है। तो पीने का पानी यहाँ कहीं पे भी नहीं, भर के लाते हैं दूर से, यहाँ से रिक्शे लेके जाते हैं, यहाँ से भरने जाते हैं। पुलिस वाले पकड़ भी रहे हैं और दूध भी लेने आओ तब भी रख रहे हैं। वो जाते फेरी लगाने के, कोई बच्चे जाते भी है तो वो पकड़ के छीन लेते, सारे पैसे छीन लेते, फ़ोन भी छीन लेते। घर में चोरियां होती झुग्गियों में। कॉम्प्लेक्स वाली नहाने के 5 रुपए लेती है, फ्री शौचालय है, फिर भी उसमें पैसे पड़े जाते हैं उसमें। पता नहीं, सरकार बहुत सारी घोषणाएं करती हैं, लेकिन उसके जो दरार हैं उसमें इस तरह के बहुत सारे गरीब, सबसे जो गरीब लोग हैं वो उस दरार के अंदर फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। 10 दिन में, 20 दिन में राशन यहाँ पे भेजा जाता है, फिर भी ज़्यादा नहीं। यहाँ पे तो 5 किलो आटा ज़्यादा करके, 5 किलो चावल, आधी किलो दाल, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। कभी कभी आता है और नहीं आता भी नहीं। यहाँ पे बांटना है, अब हमारे 10 दिन का तलग राशन हो जाए, वो तो खा लेंगे, फिर 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर इधर उधर भटकेंगे। बच्चे मांगने के लिए जाते हैं, वो थोड़ा बहुत लाते, वो खा लेते हैं, फिर वो खत्म है, फिर थोड़े, फिर आता बटने लिए पुलिस वाले भगा देते हैं। अगर शर्मिंदा किसी को होना चाहिए तो हमारी सरकार को होनी चाहिए कि आप लोगों को इस हालत में पहुँचा दिया है, जहाँ भूख और प्यास आपके दरवाजे में इस तरह से खटखटरा रही है और आपको भागने का कोई तरीका नहीं है। जो हमारे भाई और बहन दिखे वीडियो में, उनकी दर्द तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और कई साथी हैं जो बहनें हैं इस बातचीत में शामिल, वो तो ख़ास तौर पे उनकी आवाज़, उनकी दर्द को समझ पा रहे होंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि मार्च के महीने में अचानक 4 घंटों का वक्त देते हुए देश में एक इतना बड़ा लॉकडाउन किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है और इतिहास का भी सबसे बड़ा लॉकडाउन है। पहली बार किसी सरकार ने रातों रात एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बंद कर दी। आज हम लोग सभी अपने आसपास देख रहे हैं कि उस लॉकडाउन के तुरंत बाद जब 9 में से 10 देश के मजदूर असंगठित हैं, मतलब उनकी रोजी रोटी का कोई निश्चितता नहीं है, उनके साथ जो हुआ वो हम सब के सामने है। रातों रात भूख की स्थिति हो गई, भूख की एक किस्म की जो बीमारी की महामारी थी उससे बहुत बढ़ के भूख की महामारी बहुत तेज़ी से फैली, और बेरोजगारी, भूख, हमने देखा कि प्रवासी मजदूर बहुत मात्रा में घर चले गए। तो बहुत सारी तकलीफ़ें हमने उस वक्त देखी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो केसेस इतनी बड़ी संख्या में रोज़ बढ़ रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये अब कंट्रोल हो गया है, लेकिन इंडिया में ये कंट्रोल नहीं हुआ है। जो मानवीय त्रासदी से हम गुजर रहे हैं, भूख, बेरोजगारी की, उसका कारण वो कीटाणु नहीं है, वो कोरोना वायरस नहीं है, उसका कारण है सरकार की ने कुछ जो नीतियां बनाई, वो कारण है, और उन कारणों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज की बातचीत में विशेष तौर पे हम अपने उन बहनों से बात कर रहे हैं जो हम अपनी बहनों से उन बहनों से हम बात कर रहे हैं जो घर में काम करती हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के घरों में काम करती हैं, और मध्यम वर्ग के परिवारों को के लिए संभव होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सकें। उन्हीं के काम के कारण से बच्चों की देखभाल होती है, उन्हीं के कारणों से मध्यम वर्ग की महिला, पुरुष घर को छोड़ के काम पे जा सकते हैं, उन्हीं की मेहनत से घर के बुजुर्गों की देखभाल होती है, उन्हीं के मेहनत से चूल्हा जलती है बहुत सारे मध्यम वर्गीय घरों में। पर सामान्य वक्त में भी जो मध्यम वर्ग है, सामान्य वक्त में भी जो मध्यम वर्ग है, उसका जो व्यवहार है, घरेलू जो कामगार हैं, वो इज्जत और सम्मान के साथ उनका व्यवहार सामान्य वक्त में भी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो हमने हालात देखी, देश के कई कोनों में जो स्थितियां सामने आई, वो था जब मध्यम वर्ग ने एक तरह से अपने घर में जिन्होंने उनका घर को इतने सालों से उनकी मेहनत से हमारा घर चला, उनको तुरंत जिस तरह से अलग थलग कर दिया गया, उनको बहुत सारे जगहों में पैसे नहीं मिले, बहुत सारे जगहों में उनके साथ जो व्यवहार हुआ कि वो बीमारी ला रहे हैं, प्रायः तो बिल्कुल अलग स्थिति थी कि मध्यम वर्ग में रहने वाले हम जैसे परिवार, हमें लग रहा था कि हमें जो घरेलू कामकाज करने वाले लोगों से हमें खतरा है बीमारी का। वास्तविक रूप से उल्टा था, क्योंकि बीमारी तो वो लोग लाए जो अंतर्राष्ट्रीय सफ़र कर सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय टिकट खरीद सकते थे। तो मध्यम वर्ग के परिवारों में रहने वाले लोगों को खतरा नहीं था उनके घर में काम करने वाले लोगों से, बल्कि वो खतरा थे उन कामकाज करने वाले महिलाओं को। लेकिन उन्होंने उनकी सुरक्षा की बात तो कभी सोची नहीं, खुद की सुरक्षा के बारे में सोची, और खुद और उस कारण से उनको काम से भी निकाला गया, और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। तो ये हम जानते हैं कि एक बहुत मुश्किल दौर से आप सभी गुजरे होंगे। आज एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, एक मानवीय त्रासदी जो बहुत बड़े स्तर का है, एक छिपा हुआ बढ़ता हुआ दुष्काल की ओर शायद ही हमारा देश अभी उस ओर में जा रहा है, जहाँ भूख की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में होगा। और ये मानवीय त्रासदी सरकार की नीतियों के कारण से हुआ है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कई बार सोच रहा हूँ कि ये ना सिर्फ एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि एक जिसको अंग्रेजी में मैं सिविलाइजेशनल क्राइसिस, उससे भी बड़ा है कि हम किस तरह के लोग हैं, कि हमारा किस तरह का समाज है, हमारी इंसानियत क्या है। अरुंधति रॉय एक लेखिका हैं, उन्होंने कहा कि ये जो महामारी है ये एक किस्म का वायरस, एक किस्म का एक्सरे था जिसने ये साफ दिखाया कि हम किस तरह का समाज है, हम किस तरह के का समाज हमने बनाया है, जिसमें संवेदना, सम्मान, आपसी जो एक दूसरे के दर्द में शामिल होना, वो दिखा साफ। तो इसी कारण से हम लोगों ने सोचा कि हम ये जो बातचीत है, हम उन एक्सपर्ट से बात करें जो इस ज़िंदगी को गुजरे, और आपसे बेहतर कोई नहीं है जो हमें बता सके कि इस दौरान आप लोग के ऊपर क्या स्थितियां गुजरी और आप लोगों ने किस तरह का व्यवहार सरकार से और मध्यम वर्गीय समाज से देखा, और आपकी अपेक्षाएं क्या थीं, और आज आपके हालात क्या हैं, भविष्य आप किस तरह से देखते हैं। ये सारे सवाल हम आपसे पूछेंगे। हम बहुत आभारी हैं कमलेश जी, गीता जी, कोमल जी, वासना जी, मेवा जी, आप सभी आए, मिनोता जी, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और इसी आभार के साथ हम अब बातचीत शुरू करते हैं। नताशा एक फिल्म मेकर हैं, बहुत ये जो फिल्म आपने अभी देखी वो फिल्म भी इन्होंने बनाई अपने, और लेखिका भी हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं, और बहुत कुछ उनका लेखन एक्चुअली हमारे घरों के अंदर जो होता है उसके बारे में भी होता है। और मेरे साथ नताशा इस बातचीत को आगे चलाएंगे। नताशा, आप पहले सवाल आप पूछें तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो अपनी तरफ से भी मैं स्वागत करती हूँ गीता, मिनोती, कमलेश, कोमल, वासना और मेवा जी का, और ये जानकर कि आपका एक यूनियन है जो इतने सालों से चल रहा है, जिसमें आप सब मेंबर्स हैं, और उसमें एक दूसरे को एक तरह से आप सहारा दे पाते हैं, ये जानकर ही बहुत सांत्वना मिलती है। क्योंकि हमेशा से देखा है घर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, डोमेस्टिक वर्कर जिसको कहते हैं, वो तो इस देश का बच्चा बच्चा जब से आँख खुलती है तब से उनसे एक रिश्ता होता है। उनकी गोद में हम पलते हैं, खाना खिलाती हैं, घुमाती हैं, गाना सुनाती हैं। घर की जो महिलाएं हैं उनको कितना ज़्यादा सपोर्ट होता है इससे कि जो उनके घर में घर के काम कर रही है, वो काम करने के अलावा एक मानसिक रूप से, एक इमोशनल तरीके से कितना ज़्यादा सपोर्ट देती हैं फैमिली को, और कितना ज़्यादा मोहब्बत देती हैं, प्यार देती हैं उस फैमिली को, जो कि जिसकी कोई मोल नहीं है, जिसका कोई जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। लेकिन ये हम सब का एक एक्सपीरियंस है कि ये रिश्ता जो है वो एक तरह से बहुत अनमोल होता है, और उसके बावजूद ये रिश्ता बहुत, जैसे मधुरिमा ने कहा, प्रिकेरियस भी होता है। इसमें कभी भी आप निकाले जा सकते हैं, कोई भी आपसे बुरी तरह से बात कर सकता है, कि कोई किसी भी चीज के लिए आपको गलती बताई जा सकती है। और जैसे कि लॉकडाउन में हुआ, रातों रात ऐसे लगा जैसे कि इस रिश्ते का कोई माने नहीं था क्या इतने साल से, जो घरों के दरवाजे बंद हो गए और कितने कितने लाखों लोगों को उनकी तनख्वाह नहीं मिली, वो तनख्वाह जिससे कि उनका घर चलता है। तो इसी बात से मैं आमंत्रित करती हूँ कमलेश जी, आप शुरू करें, हमको बताएं कि आपके साथ, आप शायद 7 घरों में काम करती थी और फिर जब लॉकडाउन आया और उसके बाद अब लॉकडाउन खुल भी गया है, तो किस तरह का आपने माहौल देखा, आपके काम के साथ आपकी निजी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए? जी नमस्ते। जी नमस्ते। आ रही है? नमस्ते, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है आवाज। जी आज मैं बताना चाहती हूँ, 10 साल की पुरानी बात बताती हूँ। तो मेरा नाम कमलेश है, मैं जयपुर से बोलती हूँ। उस टाइम मतलब आज 10 साल में हम जो फील्ड में जाते थे ना, वो कई छूतछात की बीमारी, छूतछात मतलब करते थे, आज वो भी वापिस वही चालू हो गए घरों में, डोमेस्टिक वर्कों के साथ। 10 साल पुरानी हमने फील्ड में जा जाके ये परेशानी दूर करी थी, पर आज इसी ये वापिस वही वाला स्कूल डोमेस्टिक वर्करों के साथ हो गया। अभी के जो हालात देख रहे हैं ना, ये हालात बहुत परेशानी हर चीज की हो रही है, मतलब उनकी कोई भी हम छू नहीं सकते, कोई भी डोमेस्टिक वर्कर हाथ लगा नहीं सकती। डोमेस्टिक वर्कर मतलब एक तरीका से झगड़ा, हाथ जबरदस्ती से लगा भी सकती है ना, तो झगड़ा है। इस टाइम पे भी काम कर रही है ना, तो मतलब ये बहुत ही परेशानी से काम कर रही है, इतनी परेशानी से कि वो दिमाग अभी काम नहीं दे रहा। उनको यूं लगता है किसी उच्च आवाज में अपन बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकती। अभी मतलब मैडम हम उच्च आवाज में डोमेस्टिक वर्कर नहीं बोल सकती है, इतनी परेशानी हो रही है डोमेस्टिक वर्कर को कि काम पूरा नहीं है। जो काम मिले डोमेस्टिक वर्कर, उसमें घर कैसे चला रही है, कैसे कर्जे वाले को दे रही है, कैसे किराया का मकान वाले को दे रहे हैं। डोमेस्टिक वर्कर को साथ क्या हुआ है कि उनका मालिक किराया भी माफ नहीं करता, मतलब धमकी, मास भी धमकी है। काम वाले तो काम के घरों में से तो मिल ही रही है, वहां से आओ तो मालिक धमकी है। उनसे प्यार से काम के करने की, प्यार से वो बोलने की कोशिश करते हैं, प्यार से बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो कोई बात अभी नहीं कर सकते। काम करो, जो बताया उसी के हाथ लगाना है डोमेस्टिक वर्कर को, बाकी को बगैर पूछे किसी चीज के हाथ नहीं लगाना। तो कमलेश जी आप कह रहे हैं कि जो 10 साल पहले छुआछूत की महसूस होता था जब आप काम करते थे, वो स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी, लेकिन कोरोना आने के बाद वही उसी किस्म की छुआछूत फिर से शुरू हो गई है, ऐसा आप कह रहे हैं? वो काफी सुधर चुकी थी। अच्छा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत फर्क आ चुका था। अच्छा जी, बहुत ज्यादा आ चुका था। अब इस साल में, 1 साल में क्या होगा, किस साल से भी ज्यादा लगेगा, 1.5 साल लगेगा, कब ये चूत की बीमारी है, कब डोमेस्टिक वर्कर को कब कहाँ पुराने घर बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। ये कोई अभी कोई डोमेस्टिक वर्कर का जीना में जीना नहीं हो रहा, इतनी परेशानी है कि किराया का मकान किसी से कोई ले रखा हो, उसका किसी का बैंक का हो जी। तो डोमेस्टिक वर्कर का दिमाग कई जगह काम नहीं कर रहा। उच्च आवाज में डोमेस्टिक वर्कर बोल नहीं सकती है अभी जी। कमलेश जी, आप अपने बारे में आप थोड़ा हमें बताएं कि आपके साथ ये लॉकडाउन के दौरान जहाँ आप काम करते थे, आपका काम जारी रहा या बंद हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया, बिल्कुल बंद, 3 महीने के लिए बंद। तो कुछ लोगों ने आपको सहायता भी की इस दौरान? नहीं, मैं किसी ने पैसे तनख्वाह दी होगी या पैसे दिए होंगे? नहीं दिए। जो डोमेस्टिक वर्कर जो समझदार मालिक थे ना, वो घर बैठे घर पे रह के, और वो मालिक इतने समझदार थे जो वो घर कई जगह पैसे पहुंचाने आ रहे। अच्छा जी, पर आपके मेरे साथ नहीं पहुंचाया उन्होंने। तो फिर आपने कैसे गुजारा किया, क्या हुआ? ऐसे जैसे मेरे को हमारा जो संगठन चलता है जी, महिला समिति का, वहां से मेरी थोड़ी सी परेशानी खाने पीने की ये मेरी दूर हो चुकी थी 3 महीना के लिए। पर कितने घरों में आप काम करती थी कमलेश जी? आप कितने उस वक्त? 8 घरों में काम करते? 8 घरों में। अच्छा, बहुत ज्यादा। पूरा दिन कब शुरू करते थे दिन को और कब खत्म करते थे? 8 घंटे। 8 घंटे लग जाते थे, एक घंटा आप एक घर में जाते थे जी? 8 घंटे, कभी 9 घंटे जी। तो अब ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्होंने वापस बुलाया है आपको या नहीं? कमलेश जी, आजी 8 घंटे तक 2 घंटे जी। नहीं, वो तो हमने सुना, पर आपको वापस बुलाया उन्होंने? मतलब अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो अब काम फिर से शुरू हुआ या नहीं हुआ? अभी वापिस ही 6 घर शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने कुछ आपसे कहा, कुछ माफी मांगी कि आप तकलीफ में रहे होंगे या कुछ पूछा? नहीं, उन्होंने जब शुरुआत में 2 जनों ने मैंने फोन करके पूछा कि अभी परेशान हो चुके बहुत प्यार से कि ये पैसे तो मिलने वाले नहीं है डोमेस्टिक वर्कर को। मैं कभी नहीं किसी में कई जगह मिला। अरे मैंने फोन करके पूछा कि अब काम पे आना है आंटी जी? तो अभी नहीं, अभी हम फोन कर देंगे। अच्छा, फोन कर देंगे। चलो 1-2 बार, 3 महीने बाद ही खत्म हो गया। उसके बाद में फोन किया कि अभी काम पे आना है, बोले हम फोन करेंगे आपको तभी आना है, उससे मिलेंगे। ठीक है, 2-3 दिन बाद में और फोन किया है कि काम पे आना है, परेशान हो चुके हैं, अरे आप थोड़ी समझो और हमारी परेशानी है समझो कि काम पे नहीं आएंगे तो कैसे क्या चलाएंगे, कैसे घर का मकान नहीं है, और ये कुछ ये कई चीजें है जो परेशानियां हो रही है, वो कैसे आपने अपनी कोई मदद नहीं की। अरे नहीं, हमारे पैसे सरकार काट रहे, हम कोई मदद नहीं कर सकते। हमारे पैसे सरकार काट रहे हैं, वहां से मदद मिल रही है ना डोमेस्टिक वर्कर को। कई जगह गिड़गिड़ाने की नौबत भी, कई काम डोमेस्टिक वर्कर ने गिड़गिड़ाया, रोना है, झगड़ा है, कई बर्दाश्त नहीं कर पाई तो झगड़ा भी हो चुका। मैंने ये आंखों से देखा है, झगड़ा भी हो चुका है। तो आपने कहा कि आप लोगों को वो जवाब ये दे रहे थे कि सरकार आपके लिए व्यवस्था कर रही है और सरकार हमसे पैसा लेके आपको व्यवस्था कर रही है, तो हम हमारी इनकम से कट रहा है, आपको वहां से मदद मिल रही है ना, वो करो ना, वो लो ना आप। अब वो कहाँ लेने जाएंगे? मैंने उनसे पूछा कि जो आपकी तनख्वाह में से सरकार काट रही है तो वो कहाँ से लेने जाए? मुझे एड्रेस दे दो। तू तो पागल हो चुकी है। उनकी ये भी बात सही है, पागल हो चुकी है। उनकी पागल तो होना है। ऐसे महामारी आ गई तो दिमाग काम थोड़ी देता है, कई चीजों की परेशानियां, तो पागल हो गई। तेरे को हम बोलेंगे तभी आना है, उससे पहले नहीं आना। आपके परिवार कोई गिड़गिड़ाने से दो ही घर आए, दो घर आने से उसके बाद में वो जो कॉलोनी के अंदर जाने लगे है ना, तो उनसे भी तो बोलचाल करें। काम नहीं करे तो कोई बात नहीं, बोलचाल तो करें ना प्यार से। ये दिमाग था कि बोलचाल, ये जो पुराने घर है इनसे बोलचाल करेंगे तभी ये वापिस आएंगे। क्यों? हमारी कमजोरी है। फिर उनका कहना ये था कि हम घर बैठे अभी कोई नहीं, हम घर बैठे कितना काम है, बस हम घर बैठे अभी हमारा काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बांटने से पूरा हो जाता है। आपके घर और घर वाले और कौन कौन है घर में? क्या चीजें हैं जो नहीं, कमलेश मैं कह रहा था कि आपके घर में और क्या सर? आपके घर में और कौन कौन है जो काम करते हैं? उनका काम भी रुका है? आपके घर में और कौन कौन है जो? मैं हूँ जो काम करते हैं जी। अच्छा जी, कमलेश आप और कोमल एक साथ काम करते हैं? वो मदद करती है मेरी, वो है नहीं। क्या उम्र है कोमल की? वो मतलब गई हुई है, उम्र उसकी बताओ कोमल 23। आप दोनों मिलके काम करती हैं जयपुर में? वो कभी कभी जाती है। कोमल इसके अलावा पढ़ाई भी कर रही है? वो पढ़ाई कर चुकी है, अभी वो मतलब अभी क्लिनिक में काम, जहाँ डोमेस्टिक वहां था ना, तो वही क्लिनिक में काम कर रही है। अब हम बासना से पूछते हैं। बासना आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बासना आपने सुना कमलेश ने जो बताया कि किस तरह से ये जो महामारी आई है इसमें बिल्कुल एक तरह का छुआछूत शुरू हो गया है। काम पे जब वापस बुलाया भी है लोगों ने लॉकडाउन खुलने के बाद 3 महीने के बाद, तो भी अब इतना ज़्यादा टेंशन रहता है कि किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ, ऊंची आवाज़ में मत बोलो, जो काम बोला गया है वही करो और चले जाओ। तो आप इतने सालों से काम कर रही हैं, आपके जिन लोगों के घर में काम करती हैं उनके साथ काफी रिश्ते बन गए होंगे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद और ये महामारी का डर होने के बाद आपने क्या देखा, किस तरह से दुनिया बदली आपके लिए? अच्छा, तो अभी मैं यही कहना चाहूंगी, जो लॉकडाउन में तो मैं काम पे नहीं गई क्योंकि लॉकडाउन से पहले आज से 1 साल से ऊपर हो गया मैंने काम छोड़ी हुई। तो अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू यूनियन में काम कर रही हूँ। तो हाँ, जब फील्ड में जाती हूँ डोमेस्टिक वर्कर से हमेशा ही जो संपर्क में हूँ, जो उनका जो स्थिति है, जो कमलेश जी ने बोला है, जो जैसे स्वास्थ्य, हाँ ये स्वास्थ्य सही है क्योंकि जाते से महिलाओं को पहले वो गेट के बाहर से सैनिटाइज करो, हाथ पैर अच्छी से धो, या किसी किसी घर में तो ऐसे है महिलाओं को कपड़े तो चेंज करा के अंदर जाने देती है, वहां से कपड़े दे देती है, वो कपड़ा बाहर जगह है जो वहाँ पे चेंज करो, चेंज करके अंदर जाओ, जाके काम वाम करो, फिर ये कपड़ा चेंज करके अपना कपड़ा पहन के फिर वहां से वापस निकाल के आ जाओ। ऐसे हो रहा है, तो हुआ है अभी फिलहाल। तो ये 1 महीना के अंदर ऐसे नहीं है। तो जैसे लॉकडाउन खुला है, अनलॉक होने के साथ साथ जून महीना में जब काम पे गई थी महिलाएं, तो मैं ऐसे स्वास्थ्य ज्यादा थी। तो अभी भी है सावधानी, तो सावधानी और ये जो है ये तो खुद के ऊपर है। तो जितना आप सावधानी से रहोगे, जैसे मास्क लगाकर सैनिटाइज करके सब हाथ साफ सुथरा रहोगे, और मेरा मानना यही है जो काम मेरे को दिया गया वही काम मैं करूँ, अलग जगह में हाथ नहीं लगाऊं, ये खुद की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। और जो हाँ ऐसे सावधानी से काम कर रहे हैं, तो अभी पिछले 1 महीना से ऐसे हो रहा है जो दोबारा महिलाओं को काम पे से निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं अभी तो बीमारी ज्यादा फैल रहा है, तो हमारे ऐसे बुरे बुजुर्ग है घर में, तो ये इसके लिए डर ज्यादा है, आप लोग डर में जीते हो, काम करते हो, कब ना जाने कहाँ से कौन सी बीमारी कैसे आ जाए तो पता नहीं, तो ये आप कुछ दिन तो आप रुक जाओ, नहीं आना काम पे, जब ये सारा बीमारी ये सब हल्का हो जाएगा तब तो आप फिर दोबारा काम पे बुलाऊंगी। ऐसे करके कई बहनों के काम छूट भी गया है और कई बहनों का काम मिला भी है, किसी को पूरा काम मिला, किसी को आधा मिला, किसी को जैसे 10 घर में करती थी अभी 2-3 घर में काम कर रही है, बुला रही है, बाकी में नहीं बुला रही है। और लॉकडाउन के अंदर ऐसे है जैसे संस्था की तरफ से हमने वो राशन पानी का भी वो बंदोबस्त किया, वितरण करके इनको मदद किया है। फिर किसी किसी महिलाओं के घर से भी, काम के घर से भी मदद मिला है, उनको पूरा महीना का पैसा भी दिया गया, प्लस उनको राशन पानी का भी मदद मिला है। और किसी का जैसे किराए में रह रहे हैं मकान मालिक, इनके भी कई कई जगह में मकान मालिक ने 1 महीना, कहीं 2 महीना ऐसे करके तो उनको किराया भी माफ किया है। किसी जगह में तो ऐसा है ना, तो ऐसे भी बहने हैं जो ना इनका किराए के माफ हुआ, ना तो काम के घर से कोई मदद मिला, तो इनके लॉकडाउन के बाद अभी काम तो नहीं मिल रहा है, काम पे बुला नहीं रहे। तो ऐसे तो ज्यादातर है करीबन 60 के ऊपर जो महिलाएं हैं, 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, विधवा है, एकल नारी है, जो इनके मदद करने वाले घर में कोई नहीं है। पीछे किसी के बच्चे हैं भी, तो उनके साथ कोई संपर्क में नहीं है। तो घर में ऐसे महिला है, विधवा है, इनके 2-3 बच्चे भी है, तो इनके कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अकेले ये काम करके ये बच्चों को पालना पड़ता है। तो ये इससे जो महिलाएं है, अभी वर्तमान जो स्थिति है, इस स्थिति में मेरे नजर में ये आया जो इनके घर के हालत बहुत ही खराब हो रहे हैं। तो इनको 1-2 घर में कम से कम बुलाते, तो या तो मकान मालिक 1-2 महीने का किराया माफ कर देते, तो शायद ये महिलाओं को थोड़ा सा मदद हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है सब जगह में। तो डोमेस्टिक वर्कर के लिए अभी फील्ड में जा रही है, जो देख रही हो, कहीं कहीं तो अच्छा है, चल रहा है, इनका कमाई भी हो रहा है। जैसे घर में 3 जने हैं मेंबर, तीनों मेंबर काम कर रहे हैं, तो अगर पूरा काम नहीं भी मिला, आधा आधा भी मिला, तो तीनों जगह से पैसा आ रहा है, इनका घर चल रहे हैं, जैसे बच्चों के पढ़ाई का भी है, घर का खर्चा है, किराया है, वो चल रहे हैं। और जिनके घर में ऐसे सहारा कोई नहीं है उनके तो बहुत खराब हो रहा है। आप तो सैनिटाइज कर रहे हैं, कुछ लोग कपड़े बदलवा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर की सेफ्टी के लिए क्या घर के लोग भी मास्क लगा रहे हैं जब वो आपसे बात करते हैं? आखिर वो उनका इंफेक्शन भी तो आपको लग सकता है। हाँ, उस टाइम देखो, एक तो है डोमेस्टिक वर्कर से उनसे बात करी, सबसे पहले तो ये घर में जो मेंबर है वो लोग सामने आते ही नहीं है। जैसे एक कमरा में काम कर रहे हैं वो लोग दूसरा कमरा में या तो हॉल में जाके बैठ जाते हैं, सामने आके कोई भी भाई उससे बात नहीं करते। तो बहनों ऐसे बोलते हैं जो देखो हम तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बीमारी मेरे से ही लगेगा ये जरूरी नहीं है। आप लोग भी तो बाहर जाते हो, नौकरी पे जाते हो, क्या पता आप लोगों के साथ भी आ सकता है बीमारियां। तो जितना दूर रख के बात करोगे आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो मास्क लगाते हैं जो घर में महिलाएं हैं, वो जो बहनों से बात करती है जब तो मास्क लगा के बात करती है, और ये लोग तो खुद ही मास्क लगा के जाती है। ये तो है। मीनाती, हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते और इस महामारी के चलते जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, क्या हुआ, कितना उनका काम छूटा, कितना मुश्किल आई उनको अपने अपने घर चलाने में? काम तो बहुत छूटा और मुश्किल भी आया, काम नहीं है। मिनौती, आप कितने घरों में काम करती थी? मैं तो 2 घर में। और आप क्या क्या काम करती थी? मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, डस्टिंग, पूरा काम करती है। और 2 घरों में तो आप कितने घंटे काम करती थी? 2 घरों में ये पूरा काम करने में तो बहुत वक्त और बहुत मेहनत वक्त लगता है। हाँ, एक घर में तो 2 घंटा सुबह और शाम को आधा घंटा, और एक घर में 4 घंटा और शाम को 1 घंटा। और जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की बात करी मार्च के आखिरी हफ्ते में, तो उस समय आप कहाँ थी? आपको कैसे पता चला कि लॉकडाउन लग गया? उस टाइम तो हम लोग घर पे थी, फिर पता चल गया कि लॉकडाउन लग गया, काम पे नहीं जाना, फिर काम बंद हो गई, फिर काम पे गई नहीं हम लोग, फिर घर पे बैठे रही। ऐसे सुना कि बाहर नहीं निकलना, मुख में मास्क लगा लो, हाथ धो लो सैनिटाइज से, बस। तो उस समय आपको क्या लगा? शुरुआत में डर भी लगा कि बीमारी का भी डर और काम छूटने का भी डर। आप तो लगा काम छूट जाएगा तो खाएंगे क्या? तो आप जो 2 घर काम करते थे वहाँ पे उन्होंने आपको तनख्वाह दी इस वक्त में? तनख्वाह तो दिया था। दोनों घरों में दिया था। अच्छा, पूरा तनख्वाह मिला आपको? हाँ। और फिर कब आपने काम पे वापस आ पाए? अभी मैं 1 महीने से चालू किया। अच्छा, पर इस दौरान उन्होंने पैसे आपको देते रहे? मेरे को हाँ जी 1 महीने तक दिया था। अच्छा, 1 महीने का दिया, उसके बाद नहीं दिया। अच्छा, 1 महीने का तनख्वाह उन्होंने दिया। फिर बाकी वक्त फिर आपने कैसे गुजारा किया? बाकी टाइम से थोड़ा कर्जा किया। कहाँ से कर्जा किया? मतलब रिश्तेदार वगैरह, दोस्त से? रिश्तेदारों से लिया। रिश्तेदारों से दिया। और घर में और कौन कौन है जिसको आप संभाल रहे हैं? मेरा बेटा है, मेरा आदमी है, बहू है, 2 एक पोता है, 1 दोती है। तो आदमी काम करते हैं? काम तो बंद हो गया दोनों बेटा का और बाप का। क्या काम करते थे वो? ओ शटरिंग का। अच्छा, तो दोनों काम करते थे, दोनों का काम रुक गया तो अभी दोनों। तो वो उनको कोई तनख्वाह मिला या सिर्फ आपका एक तनख्वाह से आपने? नहीं, उनको नहीं मिला, मेरा जो मिला उसी में चलाया गया था। हाँ, जैसे तैसे चलाया। तो बहुत मुश्किल से चलाया होगा। हाँ, मुश्किल से चल रहा है, तो अभी किराया भी नहीं दे पा रहे हम लोग। अच्छा, तो किराएदार क्या कह रहे हैं आपको? किराएदार तो पैसा मांगती थी, फिर हमने बोला रुक जाओ, काम खुल जाए फिर देंगे धीरे धीरे। तो अभी आपके जो पति और बेटे का काम शुरू हो गया उनका भी या नहीं हुआ अभी? तो अभी भी आपका ही तनख्वाह है जो चला रहे हैं घर? हाँ। तो आप लोग किराया वगैरह दे पा रहे हैं? किराया तो अभी नहीं दे पा रहा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आ रहा है, खा रहा है एक टाइम दो टाइम। तो ऐसा हुआ कि आपको फिर जो खाना भी है घर का, जो खाना है कम करना पड़ा? कम तो करना पड़ा, जैसे बच्चा का दूध कम करना पड़ा। अच्छा जी। खाना भी कम करना पड़ा, कभी कभी एक टाइम खाती है, कभी कभी सुबह नहीं मिलती, दोपहर में रात को खाते है थोड़ा थोड़ा करके। सब्जी बकरा का कमी हो रहा है, तेल मिर्ची का कमी हो रहा है जी। हाँ। तो खाना या तो चीजें कम करनी पड़ी जैसे तेल और दूध और सब्जी, और कभी खाना ही बिल्कुल भोजन भी नहीं रह पाया। हाँ, ये लॉकडाउन के दौरान। और वही सवाल के बीमारी का जो डर है। हाँ। जैसे आपको भी डर लगा जब आप काम पे वापस अब गए हैं? डर तो लगा, मेरा तो खुद का बीमारी है, शुगर बीमारी है, बीपी हाई है। अच्छा। तो आपको डर लगता है कि उनसे आपको नहीं बीमारी नहीं लग जाए? ना, वो डॉक्टर लगता है। फिर क्या आप अपनी रक्षा के लिए क्या कर पाते हैं आप? हाँ? अपनी रक्षा के लिए आप क्या करते हैं? अपनी रक्षा के लिए घर में रहता है, ज्यादा बाहर नहीं घूमते हैं। अच्छा। सब लोग बोलते हैं डायबिटीज वाला को जल्दी बीमारी पकड़ती है। पर जिनके घर में आप जाते हैं उनसे तो आपको बीमारी लग सकती है ना? नहीं, वो लोग बोलते हैं हाथ धो, लोग घर जाते हैं बोलते हैं हाथ धो के काम पे लग जाओ। अच्छा। मास्क पहन के आओ। वो लोग भी मास्क पहनते हैं आपके सामने या नहीं? हाँ, पहनते हैं, वो लोग भी पहनते हैं। हाँ। तो दूर बात करो। अच्छा। कि आपके साथ गीता भी है? है। गीता से भी बात कराइए। हाँ, करते हैं। गीता, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आपके घर में कौन कौन है गीता? नमस्ते दीदी, मेरा नाम गीता, महिला राजस्थान महिला कामगार यूनियन में मैं काम करती हूँ। 12-14 साल से काम कर रहा हूँ। आप मेरे घर? हाँ। हेलो जी। गीता, आप बता रही थी कि आप यूनियन में 2 साल से काम कर रही हैं? नहीं, 12 साल से। 12 साल से? 2011 साल से, 2011 में 11 साल से। हाँ, मेरे घर में है मेरे। हेलो जी, हम जी सुन रहे हैं। हाँ, बताइए गीता। बोलिए। हाँ, आप बताइए घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे 2 बेटा है, एक गांव में रहता है, एक मेरे साथ में रहता है। तो और मेरे आदमी भी गांव में है, और बहू एक गांव में एक यहाँ पे है। यहाँ पे मैं हूँ, मेरे बेटा है, बहू है, एक बच्ची है। हम 4 जने यहाँ। और मेरा आदमी। नहीं, आप पूरी बात बता दीजिए, हम यही पूछना चाह रहे हैं कि जैसा जब लॉकडाउन लगा तो आपके परिवार पे क्या असर? हाँ। हाँ, जब लॉकडाउन लगा तो आपके परिवार पे क्या असर पड़ा? और दूसरा दिन भाभी जी ने मुझे फोन करके बता दिया जो गीता तो अच्छे माँ दाना काम पे माँ दाना मैं क्यों कल लॉकडाउन लगी। तो फिर मैं उसी दिन से उनके घर काम पे 22 तारीख से नहीं जाता ही, तो उसने उसी महीने का पूरा पैसा दिया, फिर दे के अभी 6 महीने चले, फिर उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया जे अभी काम पे नहीं लेंगे। तो गीता आप लोगों ने तो इतने सालों से आप यूनियन चला रही हैं, हाँ, इतनी सारी जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, सारी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके हाँ, काम छूटे, तो यूनियन किस तरह से उनकी मदद कर पाया? आप लोगों ने फिर क्या किया, क्योंकि कई लोग उनके चूल्हा भी नहीं चला होगा। हाँ, तो उनके सबको काम छूटे, अभी तो 2-3 घर को बुलाता है कोई लेडीज जाता है, लेकिन हमारा तो बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने क्या किया, तो पकड़ा का दुकान लगाया, मैं उसी तरफ से मेरे घर चला रहा हूँ। किस चीज का दुकान लगाया आपने गीता? ओ पकड़ा छोले मतलब सब कुछ भजी बनाने लग गई, उसी तरफ से मेरे घर चल रहा है मुश्किल से। तो उस आजकल तो लोग जैसे पकौड़े की दुकान पर भी ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं जिस तरह से पहले आते थे। अच्छा, उसमें मास्क लगा के हम काम करती थी, मैं मास्क लगा के और दूर दूर करके काम करती थी, मतलब रोशी लगा के, मेरी दुकान सामने है, घर का सामने है, मैं रोशी लगा के सबको देती थी। हाँ, सैनिटाइजर भी है, मेरे मास्क भी है, सब कुछ व्यवहार करके उनके साथ ऐसे काम करती थी, खाना बनाती थी, कोई रोटी भी खाते रोटी भी देती, ऐसे ऐसे करके मुश्किल से घर चल रहा है, क्या करे। और किराया भी देने नहीं पाया अभी तक। और जब बहुत सारे लोग, आपने देखा भी होगा जहाँ आप रहती हैं वहां पर भी, कि कई लोगों ने कोशिश की कि वो घर वापस चले जाएं, अपने गांव वापस चले जाएं। हाँ। तो आपके आसपास भी इस तरह से लोग जाने लगे क्या? आपने भी सोचा कभी कि मैं इससे अच्छा गांव चली जाऊं? नहीं, मैं तो गांव जाऊंगी नहीं, अभी मुझे नहीं जाना गांव, अभी मुझे गांव जाना नहीं। ऐसे में गांव जाते बहुत लोग गए, क्या करे, यहाँ कोई साधन भी नहीं, उनके कोई चलने के लिए घर भी नहीं, मतलब मकान कराई बराई के लेके, इसलिए बहुत लोग गए। हम तो नहीं जाएंगे, देखेंगे कोरोना के साथ लड़ाई करेंगे, कोरोना कितना लड़ाई करेगी, चलेगी कितना दिन, चलेगी हम भी कितना चलेगी। आपका गांव है कहाँ मिनोती जी? मेरा गांव वेस्ट बंगाल में। कौन सा जिला है? ओ जिला, अपना जिला कलकत्ता, कुछ बिहार, कुछ बिहार के बाद। हाँ, कुछ बिहार। अच्छा अच्छा, तो वो चाय बगान वाला एरिया है या दूसरा खेती वाला एरिया है? नहीं, हमारा खेती वाला है। अच्छा, खेती वाले एरिया। तो आपने कहा आपने तय किया कि आप किसी हालत में जाएंगे नहीं, यहीं लड़ेंगे। हाँ। तो आपको अब क्या लग रहा है कि स्थितियां कुछ बेहतर हो रही हैं या ऐसी ही स्थिति है? नहीं, बेहतर तो अभी नहीं हो रहा है, अभी तो मुश्किल चल रहा है, फिर भी मेरा हिम्मत करके मैं तो फिर भी चल रहा हूँ ऐसे करके, और ऐसे हिम्मत करूंगी कब तक चलेगी, तब तक मुझे गाँव जाना नहीं जी। चाहे मरे चाहे मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, गाँव जाना नहीं है हमको। नहीं, आपकी हिम्मत रहेगी तो आप खुद को भी अपने परिवार को भी संभाल रही हैं, तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो आप यूनियन के लोगों को भी देखते हैं, तो यूनियन के जो साथी आपके हैं, उनके बारे में कुछ आपने देखा कि किसी को क्या क्या अनुभव आए? क्योंकि आपने अपनी बात तो रखी, लेकिन क्योंकि आप यूनियन में भी हैं, तो यूनियन के मेंबर्स के बारे में इस दौरान उनका क्या अनुभव रहा लॉकडाउन में? अच्छा, यूनियन के बारे में तो सोच के तो सब लोग बाग के सबको समझाया, सबको पास जाती थी, सबको बोला जे दिवाली के बाद में हो सकता है काम खोलेगी थोड़ा, बहुत लोग तो गई, काफी लोग गई, काफी लोग को तो यही समझाया हम लोग जो जाना मत करो, जाके गाँव जाके क्या करोगी, क्वारंटाइन में रहना पड़ेगी 14 दिन, और गांव जाके तो वो हम अब हमारे वेस्ट बंगाल में 2 दिन 4 दिन बाद में लॉकडाउन लगता है, तो वहाँ भी जाके क्या करोगी तुम लोग, क्या करोगी जिसके कुछ है ही नहीं खेती बाड़ी, वो लोग क्या करेगी जाके? फिर कोई लोग को मान रहा ही नहीं, तो नहीं। हाँ बोलिए। तो गीता जी आपके यूनियन वाले जो नहीं गए उनकी कैसी स्थिति रही, उन्होंने कैसे मैनेज किया इस दौरान? वो लोग ऐसे स्थिति में हैं, मानो 2-3 जयपुर में तो जे वो लोग कोई लोग 3-4 जने काम करता है, और अभी थोड़ा थोड़ा करके वो साड़िया का काम, थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग के काम चालू हो गई, तो वो लोग मतलब मजदूर लोग जे लोग मजदूरी करता है, साड़िया का काम करता है, वो लोग आजकल जाने लग गई, थोड़ा थोड़ा करके बहुते लोग जाने लग गई, और फैमिली भी 3 घर 2 घर ऐसे काम करने लग गई, ऐसे करके चल रहा है। और सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिली? सरकार से तरफ से नहीं मिली सहायता, सहायता मिला हमारा जो यूनियन से तो मिला, और एक बार सरकार की तरफ से एक बार हमको जनाधार में गेहूं मिला, और अभी गेहूं नहीं मिला, एक बार ही मिला। अच्छा, एक ही बार मिला। 500 रुपए भी मिले? 500 रुपये मिली, 500 रुपये 3 महीने मिली, तो उसी 500 रुपये में तो मैं दुकान लगाया पकड़ा का। अच्छा अच्छा, वही 500 रुपये में दुकान लगाया। तो 500 रुपये तो बहुत कम है, उससे कैसे आपने दुकान लगाए? उसमें मैं 1 किलो तेल लेती थी, और 1 किलो दाल भी लाई, और मिर्ची, और 1/2 किलो मिर्ची लिया, प्याज लिया, ऐसे करके करके मैं दुकान लगाया। अभी मेरी दुकान उसी से चल रहा है। तो अच्छे किराए लोग आते हैं संख्या में? पहले नहीं, पहले तो बहुत ही अच्छा चलती थी, अभी लोग बाग गांव जा रहा है। अभी चलो मानो मेरा जैसे 500 रुपया रख के खर्चा वर्चा देख के 300 400 ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है मेरा आपके हाजिरा। थैंक यू मेवा। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। बहुत फर्क पड़ता है तस्वीर और वीडियो के बीच में। आपने बातें सुनी सभी डोमेस्टिक वर्कर्स की, और यूनियन की भी बात कई बार उठी, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं। शायद आप बेस्ट बता पाएंगी कि इतने सालों से जब यूनियन आपने शुरू किया, उसकी आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपने ये यूनियन शुरू किया, और फिर पिछले जो ये 12 साल आपने चलाया है, इसमें क्या क्या आपने पड़ाव देखे हैं? देखिए, यूनियन का तो काफी लंबा है, मैं बहुत ही शॉर्ट में उसको बताऊंगी। और मैंने जब शुरू किया तो मैं खुद पढ़ रही थी, 2nd ईयर में थी, और शुरू भी वो एक घटना से ही हुआ है। यूनियन बंधुआ मजदूर बना करके जो प्लेसमेंट एजेंसी से काम करवाते हैं, उनसे हम लोगों ने एक रेस्क्यू किया, और उस रेस्क्यू ने मुझे अंदर से हिला दिया। तो जिस लड़की को मैं रेस्क्यू करके लाई, उस लड़की को यहाँ से काटा, यहाँ से काट रखा, और बहुत ही बुरी कंडीशन में वो लड़की थी। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि डोमेस्टिक वर्कर का कोई काम होता है, कैसे है, क्या है। और मैं महिला आंदोलन के साथ जरूर जुड़ी हुई थी, और उसमें मैं काम करती थी एक्टिवली। काफी जो भी जिस तरह का आंदोलन थे, या सती का आंदोलन चला, भौंगरी का था, तो इस टाइप के में मैं काफी पार्टिसिपेट करती थी, सीखती थी। और मैं ये कविता जी के साथ मैंने काफी किया। अरुणा जी ये मेरे आइकन थे कि मैं मानती थी कि मैं इस तरीके से कुछ काम करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। तो वो उस केस से फिर हम लोगों ने काफी डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उनकी वेतन की लड़ाई थी, 2.5 साल का वेतन था लड़की का, और वो लड़की बेंगलोर की थी, और किसी कारण से वो परिवार ने उसको बेचा ही था 5000 रुपये में, और वो परिवार मिला नहीं बच्ची को। तो वो हम लोगों को इतनी दिक्कत आई, हम 2 साल में उस बच्ची का घर खोज पाए, संपर्क करते करते। अभी तो काफी संपर्क है, उस टाइम इतने संपर्क भी नहीं थे। और फिर हम लोगों ने लड़की के घर में जब बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और हम कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ बौद्ध शिक्षा समिति में उसको पढ़ाया। फिर हम लोगों ने उसको बीकानेर डाला। वो क्या उम्र थी? उसकी उम्र तो 19 साल थी उस टाइम। और फिर यहाँ बौद्ध शिक्षा समिति में फिर उर्मूल में डाला। तो ऐसे करके फिर हम लोगों ने उसको किया। और अभी वो लड़की के 2 बच्चे हैं, भीलवाड़ा में उसने शादी कर ली है और काफी अच्छी कंडीशन में है। और वो बात करती रहती है, महीने में 1 बार तो जरूर फोन करती है। तो उससे फिर मैं लगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। उससे मेरी काफी बात होती थी कि कैसे आई, क्या काम और किस तरीके से। फिर उसी उसके 1 साल बाद में एक केस और आ गया। जब मैं इसको समझ ही रही थी तो वो रेप का केस था। और वो वेस्ट बंगाल की लड़की थी, 14 साल की, प्रेग्नेंट थी, 7 महीने की, और 24 घंटे काम करती थी। तो उसने फिर मुझे और ज्यादा हिला दिया। उसको भी रेस्क्यू किया और वो जिस मालिक ने किया उसकी जेल हुई। हम लोगों ने केस लड़ा, उसने 5 लाख का ऑफर दिया और फिर वो पूरी चीजें चली। तो उसके बाद में वो जो लड़की ने मुझे, जब हम लोगों ने शेल्टर होम में उसको रखा, तो वो बार बार मुझे ये कहती थी कि हम 3 बहनें, 3 आए थे उस गांव से और हमारा कोई रिश्ते में मामा लेके आया था, तो आप उनको खोजो, वो कहाँ है दोनों। मैं तो मिल गई। तो हमने कहा कोई पर्ची है, नाम है, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो हम उसमें कुछ कर नहीं पाए। तो वहीं से फिर मेरा तो पूरा चेंज हो गया। मैंने सोचा कुछ भी हो, मुझे इस फील्ड में एक बार घुसना है, देखना है कि लोगों की हालात कैसे है और ये कैसे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, घरों में क्या कंडीशन है। तो मैंने एक सर्वे किया और उस सर्वे में मुझे जागोरी ने सपोर्ट किया। एक स्कॉलरशिप मुझे दी गई। उसमें मुझे 1 साल लगी 500 फार्म भरने में, महिलाओं के घर घर। में जानती नहीं थी किसी को भी, तो बस्ती में जाके उनसे बात करती, वो मना कर देती कि हम तो काम ही नहीं करते हैं, आपको किसी ने कहा कि हम घरेलू कामगार हैं। तो फिर मैं दूसरे तरीके से बात करती। मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ काम करती थी, तो मैंने काम वो नहीं, मैं तो चौकटी पे आपको देखा था एक दिन। तो ऐसे कुछ चीजों का सपोर्ट लेकर के, और उसी दौरान मुझे कमलेश मिली बस्ती के अंदर। ये बात करते करते तो फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इनसे बात करके, दोस्ती की, बात करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे होता है, ये है। तो फिर कुछ चीजें ऐसी निकल के आई कि नहीं, होता तो जरूर है पर बोलते नहीं है। तो फिर क्या किया जाए। तो हम लोगों की एक समझ बनी कि हम सर्वे कर लें और सर्वे के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या निकलता है। तो वो सर्वे करते करते हमको 8 महीने लगे। फिर हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई और उस टाइम फिर हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट के साथ उस रिपोर्ट को शेयर किया। तो जिस दिन हम लोग शेयर कर रहे थे उस दिन 3-4 अधिकारी थी, लेबर सेक्रेटरी खुद था, और करीब 10 या 15 डोमेस्टिक वर्कर थी। तो वो जैसे वहां उन्होंने कहा ये तो झूठ लिखा है आप लोगों ने, ऐसे तो कोई भी सर्वे करके लिख देगा, ऐसे थोड़ी होता, हमारे घरों में काम करती हैं। तो उस दिन ये कमलेश और ये सब लोग साथ थे, और भी लोग थे बस्ती के जो महिलाएं काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम बोलते हैं, वो दीदी ने तो बोला है, ठीक है, वो लिखा है, वो हमको पूछ के लिखा है, और हम बताते हैं कि क्या क्या होता है। तो फिर वो लेबर सेक्रेटरी पे इतना प्रभाव पड़ा, उसने कहा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे, और आप दोबारा हमारे ऑफिस आइए, आके बात करिए, और ये रिपोर्ट की एक कॉपी हमको दीजिए, तो हम देखते क्या कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहीं से चालू किया, और बस्ती में वापस कुछ दोस्ती भी हो गई थी, महिलाओं से बात करना शुरू किया कि क्या किया जाए, यूनियन बनाए, संगठन बनाए, संस्था बनाए। तो मेरे भी काफी कंफ्यूजन थे। तो मैंने खुद ने काफी सारे लोगों से बात भी की, पढ़ा भी कि यूनियन बनाएंगे क्या होगा, संस्था से क्या होगा, संगठन से क्या होगा। तो वो करते करते हम लोग एक पहुंचे कि हमको यूनियन बनाना है। और महिलाओं ने कहा कि हमको हमारे हक की लड़ाई लड़नी है, हमको सबसे पहले हमारा इज्जत और सम्मान चाहिए, उसके बाद हम मजदूरी की बात करेंगे। तो फिर हम लोगों ने ये शुरू किया, और काफी उस दौरान आंदोलन हुए महिलाओं के साथ। जो कमलेश ने एक सवाल उठाया कि वापिस हम 10 साल पीछे गए छुआछूत को लेकर के। तो उस टाइम वो छुआछूत अलग कप रखना, बाथरूम काम में नहीं लेने देना, और किसी भी चीज को नहीं छूना, बात नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, पेमेंट बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। तो एक कमलेश कॉलोनी में काम करती है, उसमें ही हम लोगों ने कुछ इनके जो मालिक लोग थे उनसे बात शुरू किया। तो उस दिन क्या हुआ कि कमलेश सर, हम लोग वो कोई हमारी एक रिलेटिव निकल गई मेरी खुद के गाँव की साइड की, और वो चाय बना के लाई। फिर मैंने कमलेश को कहा कि आप सोफा पे बैठ जाओ। तो कमलेश ने कहा कि नहीं दीदी, मैं बैठूंगी नहीं। तो ये खड़ी रही थोड़ी देर। तो फिर वो चाय लाई तो कमलेश के लिए तो उसके अंदर लेके आई एक कटोरी के अंदर, और मेरे लिए एक अच्छा सा कप में चाय लेके आई। तो मैंने कहा आप इसको भी कप में दे दो, तो बोली कि नहीं ये तो हम देते नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपकी चाय नहीं पीऊंगी, और मैंने वो चाय पी नहीं और वो हम दोनों वहीं छोड़ करके उसको आ गए। फिर उसने बाद में कहा कि फोन करके मुझे बोला कि नहीं तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो, कितना सर पे चढ़ाओगी, क्या करोगी। मैंने कहा वो ये आपका सोच है और मेरा सोच मेरे पास है। तो वो फिर वहीं से हम लोगों ने देखा कि ये तो काफी गहरा मामला है, आंकड़े में तो निकला पर प्रैक्टिकल में भी यही हो रहा है। तो हम लोगों ने शुरू किया, फिर उसी कॉलोनी में एक मारपीट का केस हुआ और उसको लेके हम लोगों ने लड़ा अच्छे से कॉलोनी के अंदर, रिपोर्ट दर्ज हुई, पूरा हुआ। वहां से महिलाओं को लगा कि यदि आज हमारा संगठन नहीं होता और हम लोग इकट्ठे नहीं होते तो हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते थे कॉलोनी के अंदर। और फिर महिलाओं ने लड़ते लड़ते रात में हमने मीटिंग शुरू किया। जैसे ही कमलेश अभी बीच में थोड़ा उसको प्रॉब्लम हुई तो वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, नहीं शुरू में कमलेश रात को 9-9 बजे तक मैं और कमलेश हम घर घर जाते थे बस्ती में। महिलाएं काम पे आती, हमको बस्ती में ये पता रहता था कि वो महिला इस टाइम काम पे आती है, इस टाइम जाती है, उनका टाइम टेबल हमको याद था अच्छे से। तो हम उसी टाइम टेबल पे पहुंचते और रात को वो अपना खाना बनाती, हम लोग उसके घर के सामने बैठ के बात करते, परिवार होता पूरा। और वो हमसे बहुत सारे सवाल करती, आप घर नहीं जाओगी क्या, बच्चे नहीं है क्या, आपको कैसे डर नहीं लगेगा रात को। ये सब सवाल हमारे साथ होते थे और हम लोग सीखते सीखते काफी सारी चीजें सीखी। महिलाओं ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और फिर बाद में ये गीता, मिनोती, वासना जी, ये सब लोग निकल निकल के आने शुरू हुआ। इनको लगा कि जयपुर में कुछ हो रहा है, हमको जुड़ना चाहिए। तो ये मीटिंग देखने आते थे कि पार्क में मीटिंग हो रही है, हम तो देख के आते हैं कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। उनसे प्रभावित होकर के ये लोग जुड़े। और वासना जी, एक हमने पब्लिक हेयरिंग की थी 30 सितंबर को 2011 में, उसको देखने के लिए वो आई थी स्पेशली अपने पति को साथ लेके कि मैं देख के आती हूँ कि क्या हो क्या रहा है। तो वहीं से उसकी जुड़ाव हो गया। और फिर ये करते करते हम लोग काफी फैल गए। तो हम लोगों के मुख्य एजेंडे होते थे कि हम लोग जेंडर के आधार पे यदि कोई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम लोग उसको प्रायोरिटी में लेते थे। कोई महिला के साथ हिंसा हो गई, परिवार में कोई दिक्कत हो गई, तो हम लोग चाहे रात के 10 बजे 11 बजे हम लोग छोड़ते नहीं थे उसको बिल्कुल भी। दूसरा, हम लोग यदि काम के घर में कोई बदतमीजी हो गई, उसने चोरी का नाम लगाया, मारपीट कर दिया, पैसा नहीं दिया, तो हम बिल्कुल अड़ जाते थे वहां पे। क्यों, कानून कुछ है नहीं, बाकी का कोई सपोर्ट है नहीं, तो आप करेंगे क्या। यदि कहीं भी जाएंगे तो सपोर्ट तो होगा नहीं कानून में। तो हमको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ चीजें हम लोगों ने तय किया कि इन इन चीजों पे लड़ेंगे। पुलिस का उत्पीड़न होगा तो हम थाने का घेराव करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम इंक्वायरी भी करेंगे, पूरी जानकारी भी लेंगे कि रियल में महिला ने चोरी किया कि नहीं किया। तो वो हम अपने स्तर पे हम लोग बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। मैं तो यहाँ तक बोलूंगी कि मैं जयपुर में, मुझे 2006 में मेरी शुरुआत हुई और अभी 2020 है, तो मात्र 2 महिलाएं ऐसी मिली जिन्होंने रियल में चोरी किया। और बाकी की इतनी महिलाओं के हर महीने 5-6 केस आते हैं चोरी के, बिल्कुल चोरी नहीं करती है। और दूसरा मोटिव होता है हटाने का, या तो कम सस्ते में मिल गई इसलिए हटा दिया, या आपको काम में नहीं कराना इसलिए हटा दिया, या आपके बच्चे पैसा ले गए, आपके रिश्तेदार कोई आया उसने कुछ गड़बड़ कर दी और आपको इन पे डालना है। तो वो इस तरह की घटनाएं आती है। तो इससे क्या हुआ कि महिलाओं को एक मजबूती मिली। उनको लगा कि रियल में यदि परिवार में दिक्कत है तो हमारा ये सारा यूनियन, यदि काम के जगह दिक्कत है तो है, या हमको व्यक्तिगत कोई समस्या है तो भी हम लोग बात करते हैं। और हमको ये पता लग जाता है कि उस बहन के साथ कोई दिक्कत हो रही है, कि फोन पे बात करेंगे तो पता लग जाएगा, वैसे भी लग जाता है। तो हम उसको छोड़ते नहीं है, फिर उससे बैठ के पूरी बात करेंगे कि आपके साथ क्या दिक्कत है, परिवार में दिक्कत है या आपको कोई और कोई समस्या है। तो उससे क्या हुआ कि यूनियन तो एक साइड है कि वो बड़े बड़े मुद्दों पे लड़ते हैं कि हम वेतन बढ़वा देंगे, ये करेंगे, या हम लोग आपका राइट की बात करेंगे। तो वो तो पॉलिसी लेवल पे, रीच पे तो चलता है, और बाकी का हम दूसरा हिस्सा है उसको भी हम देखते हैं। और उससे ये देखा कि जो अभी लॉकडाउन में जो चीजें आई वो मेवा जी, बस वही मैं कहना चाह रहा था कि अब बहुत ज्यादा हमें आपकी बात सुन के बहुत प्रेरणा हुई। मुझे लगता है बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया और आपके मेंबर्स से भी हमने बात सुनी। तो वही लॉकडाउन के बारे में संक्षिप्त में आप हमें बताएं कि आपने क्या देखा, आपके मेंबर्स ने क्या अनुभव किया इस लॉकडाउन के दौरान, और फिर कुछ ऑडियंस के सवाल भी हम लोग सुनेंगे। लॉकडाउन में हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ही हम लोगों को पता था कि लॉकडाउन होने वाला है और राजस्थान सरकार पहले ही 21 को ही बंद करने वाली थी, ये हमारे पास सूचनाएं थी पहले से, तो हम लोगों ने 19 तारीख को एक राजस्थान में मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली जन संगठनों की, उसमें हमारी तरफ से एक प्रतिनिधि था और उसमें काफी सारी चर्चाएं हुई कि लॉकडाउन होगा, तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट लाइन दिख नहीं रही थी कि वो क्या करने वाले हैं। और हमको ये पता था पहले से ही कि महिलाओं को पेमेंट नहीं मिलेगा, महीने के फर्स्ट वीक में वो देते हैं ज्यादातर, तो हम लोगों ने फोन शुरू किए महिलाओं को कि आप अपना पैसा ले लो, तो उन्होंने कहा कि पैसा तो नहीं देंगे, हमारे फोन उठाना ही बंद कर दिए हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने 30 तारीख को आते आते फील्ड से हमारे पास फोन आने लग गए कि हमारे उसके घर में राशन नहीं है, उसकी बहुत हालत खराब है, उसके पास पैसे भी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने वापस से बात किया, जो पूरे जन संगठन है उनसे बात किया, PCL के साथ हम लोगों ने काफी अच्छे से काम किया, और फिर उसमें ये तय हुआ कि कैसे हम लोग कुछ राशन की व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार तो जब करेगी तब करेगी, सरकार के साथ अलग से बात हो रही है, और उसको लेकर के हम लोगों ने कुछ राशन इकट्ठा किया, कुछ कंपनियों ने दिया, कुछ संस्थाओं ने दिया, और कुछ यूनियन ने अपने सोर्स से किया, और जहां जहां दिक्कतें आ रही थी वहां राशन, ड्राई राशन शुरू किया। फिर कुछ जगह फूड के जो सेंटर चल रहे थे वहां पे लोगों को मोटिवेट किया कि आप वहां जाके ले सकते हो, इमरजेंसी जो है वो। तो हालत ये थी कि मार्च में फिर इनको पैसा तो मिला ही नहीं, और बहुत सारी महिलाओं के पैसे कटे हैं, लॉकडाउन होने से लेकर के 10-10 दिन के पैसे उनको नहीं दिए गए। अप्रैल में एक पैसा नहीं दिया गया, कोई एक दो को कह नहीं सकते हैं, बहुत कम को पेमेंट मिला, मई में नहीं मिला, जून में नहीं मिला। अभी ये जुलाई में जब शुरू हुए जाना काम पे, तब जाकर के कोई थोड़ा बहुत इनको 2-3 घर में हो रहा है। तो स्थिति ये थी कि लोग 2-2 दिन से खाना नहीं खाया, कई घर ऐसे निकल के आए, एकल महिलाओं के निकल के आए, किसी के पति की मौत हो गई बीमारी में, दूसरी बीमारी से, तो उनके पास राशन नहीं, तो इस टाइप का पूरा एक निकला। और इतनी स्थिति ऐसी खराब थी कि सबको डर भी लग रहा था, खाना भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, और सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सरकार के साथ भी काफी सारा काम किया, और सरकार की तरफ से तो नतीजा ये आया कि वो 5 किलो आटा, 1 किलो चना वो एक बार उन्होंने दिया, और नाम तो माइग्रेंट का था कि माइग्रेंट लेबर को ये सब फायदे देंगे, ये करेंगे। उसमें भी हुआ ये कि जब बाहर से जो लोग आए, जो राजस्थान के लोग बाहर काम करने गए थे और वो जो ट्रेनों से आ रहे थे, तो ऑलरेडी उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन था, उनको उन्होंने माइग्रेंट बना करके, और जो राशन था वो उनको दे दिया, उनमें भी बहुत कम लोगों को दिया, और बाकी के लोगों को मिला नहीं राशन। ये जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, कुछ बिहार के लोग हैं, कुछ राजस्थान के लोग भी हैं, इनको नहीं मिला, बहुत कम मात्रा में मिला, एक बार दे दिया फिर नहीं दिया। फिर हम लोगों ने बात किया कि आप कैश दीजिए, कुछ लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो बहुत कम लोगों को 2500 रुपया सरकार ने एक बार दिया, कुछ जनधन के तहत इनको 500 रुपया मिला। तो इस टाइप का वो था, और बाकी का तो ये था कि कुछ स्थितियां अच्छी थी नहीं बिल्कुल भी, और अभी भी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जो स्थिति थी उससे ज्यादा खराब अभी है, और अभी बोल नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप काम पे जा रहे हो तो आप मकान किराया भी दो, आप बिजली के बिल भी चुकाओ 3-3 महीने के, और यदि आपने बिल नहीं दिया, किराए का नहीं दिया, तो आपको रोड पे फेंक देंगे। और ये हमारी मीटिंगों में आ रहा है। अभी हमारा एक पूरा कैलेंडर आधारित काम है पूरा जयपुर में, तो उन मीटिंगों में महिलाओं ने, जैसे लॉकडाउन खुला वो तो शुरू हो गई भीड़ की भीड़ आना कि हम तो अपनी बात करेंगे और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजों के लिए। तो उसमें आ रहा था निकल करके कि 3-3 महीने का बिजली का बिल ले लिया, और कोई कम नहीं किया, बिजली का बिल पूरा बढ़ा के दिया गया है। और 1-2 घर में जैसे ही शुरू किया तो मकान मालिक ने कहा कि आप पैसा दो, हमको पैसा चाहिए किराए का, आप तो काम पे शुरू हो गई। तो ये सब चीजें हो रही हैं। और एक महिला का तो ये भी आया था कि अभी 5 तारीख की बात है, वो कह रही है कि मेरे 50,000 रुपया मकान किराया चढ़ गया। रोज मकान मालिक धमकी देता है, वो बोलता है कि मैं रोड पे बैठा दूंगा तेरे को। मेवा जी, हमारे ऑडियंस में भी कुछ 40 लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, तो कुछ सवाल सुन लेते हैं ताकि फिर और उनसे स्पेसिफिक बात कर सकें। आप आपकी यूनियन की कहानी सुन के, जैसे हर्षी ने कहा, बहुत इंस्पिरेशन मिला। और ये जो लॉकडाउन के बाद की आप बता रही हैं बात, ये तो मतलब यही रीज़न है कि हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, क्योंकि ये बात निकल के आनी चाहिए कि किस तरह से लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा है और ये कितना बड़ा अन्याय है। तो ऑडियंस में अगर कोई सवाल है या अनिर्बान अगर फेसबुक पे कोई क्वेश्चंस आए हैं तो बताइएगा। एक अनुभव जो खास करके दिल्ली में रहा है, ये किसी ने पूछा है कि जो लोकल जो कॉलोनी वाले हैं, जो खास करके जो गेटेड कॉलोनी जिसको बोला जाता है, तो वहाँ का लोकल एसोसिएशन भी उस वक्त लॉकडाउन के वक्त बाहर के लोगों को कॉलोनी के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, या यातायात में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी, घर तक पहुँचना, किसी बाहरी इंसान को देखने से ही लोग बहुत घबरा जा रहे थे, या फिर एक जिसको बोलते हैं क्लास बायस था उसमें कि अगर, तो इस तरीके का कुछ अनुभव क्या जयपुर में या वहाँ पे हुआ है, ये एक सवाल है। हाँ, इस तरह के जयपुर में बिल्कुल हुआ है और अभी भी चालू है। वो नहीं घुसने देते हैं और अपार्टमेंट है यहाँ भी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उनमें जो काम है महिलाओं का, तो वहाँ पे जो वासना ने बोला था कि नहलाते भी हैं उनको, और दूसरा काम ये करते हैं कि उनको सैनिटाइज करते हैं, जो नहा नहीं पाती है उसको पूरे कपड़े से ही सैनिटाइज करेंगे। और उससे दिक्कत क्या हो रही है कि महिलाओं के हाथों में काफी सारी खुजली शुरू हो गई है, दाने से निकल आए, उनकी चमड़ी उतरने लग गई हाथों की। तो ये चीजें तो यहाँ भी है। एक और सवाल ये आया है जो शायद हर्ष ने भी पूछा था पहले मिनोती जी से। जो लोग काम करने जा रहे हैं, एक जो बार बार एक चीज आ रहे हैं कि घर वाले बोल रहे हैं कि आप मास्क पहने रहिए, आप सैनिटाइज करके आइए, तो वो एक बात है। लेकिन काफी हद तक जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास घरें हैं, उनसे ज्यादा फैलने का चांस रहता है। तो फिर ये लोग जो काम करने जाती हैं, क्या घर वाले खुद मास्क पहन के रहते हैं ताकि इनको दिक्कत ना हो? इसमें मिला जुला है, कुछ लोग पहन के रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, बहुमत में नहीं पहनते हैं। और उल्टा इनको, जैसे अभी कुछ महिलाएं को, एक दो को खाना बनाने का काम मिल गया, तो वो कह रही थी कि हम 2.5-3 घंटे मास्क लगा के हमको कह रहे हैं कि खाना बनाओ, और हमारा दम घुटता, हम नहीं कर सकते हैं। और उनके सब हमारे सामने ऐसे घूमते हैं, वो कह रहे हैं बीमारी तो तुम लेके आओगे। तो ये अभी हम लोगों ने तो अवेयरनेस के रूप में इसको लेना शुरू किया है, और हम लोगों ने ये शुरू किया है कि आप लोग भी मास्क लगाओ, और उनको बोलो कि कोई जरूरी नहीं है कि हमें बीमारी, आप तो हमको बोल रहे हो ना। पर केस तो जयपुर में तो कोई एक भी केस ऐसा नहीं आया जो डोमेस्टिक वर्कर लेके आया, उसके घर में काम करने वाला लेके आया, वो तो पूरे उन्हीं से आ रहे हैं। तो ये तो है। और जो कुछ लोग हैं कि उनको लगता है कि ठीक है मैं लगा के रख लेती हूँ, बात करूँ तब, पर बहुमत में नहीं लगा रहे हैं अभी भी। क्या उस दौरान घर पे टॉयलेट या फिर इस तरीके की सुविधाएं यूज करने दिया जाता था उनको लॉकडाउन के टाइम पे? इसके बगैर और कोई सवाल यहाँ पे? क्या लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद में? आप दोनों बता सकें। लॉकडाउन से पहले तो हमारा यूनियन की एक लड़ाई थी, उसको लेकर के तो काफी फर्क पड़ा था इसमें। और अभी लॉकडाउन के बाद में कुछ जगह पे निकल के आया कि लेने दे रहे हैं काम में, पर वो उसी शर्त पे लेने दे रहे हैं कि आप पूरा साफ करके जाओगे, सैनिटाइज करके जाओगे इसको। और उनको डर है तो वो नहलाते हैं उसको उसी बाथरूम में, वो कोई गैलरी में होता है साइड में, या सीढ़ियों के नीचे होता है। तो उस टाइप का जरूर आया है, बाकी का अभी तो टच भी नहीं करने दे रहे हैं चीजों को। और वो ही डर है पूरा एक तरह का। तो एक और सवाल, एक आखिरी सवाल जो हम देखे हैं कि जो बहनें अब फिर से काम शुरू किए हैं और कई घरों में जाते हैं, वो अपने आप को बहुत सारे खतरों में डालती हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में उनको काम करना पड़ रहा है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर पा रही हैं? क्योंकि बहनें जब 6 घरों में 5 घरों में जा रही हैं, तो अपने आप को भी तो खतरे में डाल रही हैं सबसे ज्यादा। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर पा रही हैं? या ऐसे वक्त में रोजी ही सबसे जरूरी है और हम अपनी सुरक्षा के बारे में कितना सोच पाए, ये भी एक जवाब हो सकता है। अभी मैं बता देती हूँ, फिर ये लोग जोड़ देंगे उसमें। अभी जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम लोग काफी सारे डिस्कशन इनके साथ कर रहे हैं और वो पब्लिक पार्क में बैठ के करते हैं, बाकी की जगह कोई जगह है नहीं। तो उसमें बहनें साफ ये बोल रही हैं कि हम तो कोविड से नहीं मरेंगे और हम भूख से मरने वाले हैं। तो भूख से इसलिए मरने वाले हैं कि जो थोड़ा बहुत कमा के ला रहे हैं वो मकान किराए में जाने वाला है, और दूसरा जो बचेगा वो हम लाइट में भर देंगे, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो इसलिए उनको सबसे बड़ा कोविड का डर नहीं है, भूख का डर है। और वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान तो हमारे अंदर डर था कि वो जब सब कुछ बंद था तो हमको लग रहा है कि शायद बीमारी हमारे घर के दरवाजे पे ही आ गई है। अभी उनको कह रहे हैं कि बिल्कुल डर नहीं लग रहा हमको तो। और बाकी का कुछ चीजें सुनते भी रहते हैं कि जो कोविड का कोई जानकार जाके आता है तो वो आके रिपोर्ट देता है कि न तो दवाई दिया वहां पे, न कोई कुछ किया है, मुझे तो वहां पे रखते हैं बैठा करके और कुछ भी नहीं होता है। तो इस टाइप की चीजें आ रही, तो उनसे और भी डर उनका निकल रहा है। नहीं, सबकी बात सुन के और जो बाद में मेवा ने जो जिस तरह से पूरी कम्युनिटी की बात बताई, पूरे समूह की बात बताई, उससे जो हम लोगों को, हम अपने आसपास हर जगह देख रहे हैं, जो हम लोगों का भी अनुभव रहा जब हम लोग खाने के पैकेट बांट रहे थे, तो हमें भी यही मिलता था। हम कई लोगों से पूछते थे कहाँ काम कर रहे हो, और वो कहते थे, दिखाती थी कि हम उस बिल्डिंग में, उस फ्लैट में हम काम करते हैं। और कुछ लोगों ने तो कहा कि उन्होंने ही हमको नंबर दिया है कि हम संस्था में फ़ोन करें कि हमें हमारे पास खाने को नहीं है, आप हमें दे दीजिए। और इतना अजीब महसूस होता था कि जिनके साथ तुम इतने सालों से काम करते आए हो, वो मुसीबत की घड़ी में तुम्हारी मदद करने की जगह मदद के नाम पे तुम्हें एक फ़ोन नंबर दे रही हैं कि कहीं और जाके तुम मांग लो, लेकिन हम तुम्हें नहीं देंगे। ये बहुत ही उस समय शॉक लगता था, लेकिन हम देख रहे हैं और आपकी बातों से सुन रहे हैं कि ये हर शहर में, हर जगह इस तरह का जो बिहेवियर है, मध्यम वर्ग ने इस तरह से अपने ही घर में काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो कोई क्या किसी और से कंप्लेन करेगा जाके। और जैसा कि एक कमेंट भी आया है पारमिता का कि जब ऐसा माहौल बनता है कि आपका काम ही छूटने की कगार पे आ गया है, तो फिर कोई हक की बात कैसे कर सकता है, कहाँ से हमें वो ताकत मिलेगी। लेकिन फिर भी हमें करते रहना है, और कर हम तभी पाते हैं जब हम इस तरह का यूनियन या समूह बनाते हैं, तो एक दूसरे को सहारा दे पाते हैं। मिहिका, आप ऐड करिए, आपने बैंगलोर में कुछ वर्कर्स के साथ काम किया। हाँ, तो मैं बैंगलोर में मैं एक दिन रास्ते पे चल रही थी और दो डोमेस्टिक वर्कर्स को मैं मिली जिनको अपने घर से निकाल दिया गया था। एक में से जो 19 इयर्स की थी और वो प्रेग्नेंट थी, और उनको 2 महीनों से खाना नहीं मिल रहा था उनके घर में, लॉकडाउन के वजह से नहीं, लेकिन वो जो हरासमेंट डोमेस्टिक वर्कर्स का होता है वो बहुत सालों से चल रहा है। जैसे मेवा जी ने बताया था कि जो गालियाँ, ताने, छुआछुई, हाथ से, जैसे बहुत खाना नहीं देना, सोने नहीं देना, रेस्ट नहीं करने देना, ऐसे हादसे बहुत सालों से हो रहे हैं, और गवर्नमेंट के दौरान कोई पॉलिसी या लेजिस्लेशन नहीं है डोमेस्टिक वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने। इसलिए हमें यूनियंस बनाने हैं, जैसे राजस्थान में, लेकिन और कई जगहों में, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स शहरों में, छोटे शहरों में, बहुत सारे पूरे देश में इतना काम करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, और हम उनको ऐसे ही जैसे मन किया उनको घर में लाए, जैसे मन किया उनको बाहर फेंक दिया। और ये ऐसी स्थिति हमें चलती रहेगी। मैंने जो देखा है, जैसे अब आप सब ने कहा है कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स के सालों से ये स्थिति है, उसको लॉकडाउन ने और बुरी तरह से निकाल दिया है कि हम अभी बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ क्या व्यवहार होता है, स्पेशली जो अपर कास्ट अपर क्लास जैसे दिल्ली या नोएडा या गुड़गांव के बड़े या जयपुर में भी जो बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ ज़्यादातर अपर कास्ट अपर क्लास लोग रहते हैं, उनमें उनको डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ बहुत मतलब बुरा व्यवहार करते हैं। और आप मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने अपनी बात रखी मेवा जी, मिनोती जी, गीता जी, कमलेश जी और वासना जी। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे पार्टनर्स रोज़ा लक्समबर्ग शिफ्टुंग और न्यूज़ क्लिक को, जो हमारे साथ ये वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों डोमेस्टिक वर्कर का मुद्दा बहुत कम उठ रहा है और मान भी नहीं रहे लोग, तो अच्छा है कि ये उठे, पूरे देश के स्तर पे कोई कैंपेन टाइप का डेवलप हो और उसमें आप लोग हमारी मदद कर पाए इसको लेकर के। तो हम चाहेंगे कि ये उठे और लोगों को कुछ बेनिफिट इसके मिले। तो हम यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी साथियों का। धन्यवाद।